हेलो, आपका स्वागत है। लोग मुझे काफ़ी बार पूछते रहते हैं कि निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें। काफ़ी थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, करीब करीब 50,000 से 60,000 थॉट्स अपने दिमाग में आते रहते हैं और उसकी वजह से लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो उसके लिए क्या हम टेक्निक अपनाएं ताकि हम थॉट्स को कंट्रोल करें, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए, स्वागत है आपका। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है और मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों का हम उपचार करते हैं। व्यसन मुक्त भारत और मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, ये हमारा मिशन है। लोगों को पावरफुल बनाना, उनके प्रॉब्लम्स छुड़वाने के लिए उनको मदद करना, इसके लिए हम काउंसिलिंग भी करते रहते हैं। तो उसमें जब लोग आते हैं कि इतने सारे निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और वो थॉट्स पास के बारे में रहते हैं, अतीत के बारे में रहते हैं, कभी थॉट्स फ्यूचर के बारे में रहते हैं, और वो थॉट्स अतीत के बारे में हो या भविष्य के बारे में हो, वो रहते हैं फैमिली के बारे में, पैसे के बारे में, रिश्तों के बारे में, दोस्तों के बारे में, समाज के बारे में, प्रतिष्ठा के बारे में, मतलब चालू रहते हैं थॉट्स और दिमाग में थॉट्स टिकते नहीं हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थॉट्स वो निगेटिव थॉट्स ही रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये कैसा पॉसिबल है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसे थॉट्स आते रहेंगे और वो हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं। हमारे एक मेमोरी बैग है कि वो मेमोरी बैग में पास के पूरे विचार जो है थॉट्स, वो पूरे ऐसे भरे हुए हैं और वो मेमोरी बैग में इमोशंस भी हैं, मूड्स हैं, फीलिंग्स हैं, है ना, और थॉट्स है, ऐसी मेमोरी बैग पूरी भरी हुई है। और जो हमारे थॉट्स जो है वो सब रिएक्शन में आते रहते हैं। परिस्थिति में कुछ हो जाता है, उसमें मनस्थिति खराब हो जाती है। वातावरण में अच्छा हो गया, लोगों ने मुझे अच्छा बोला, लोगों ने तारीफ किया, कुछ अच्छा हुआ तो लोगों की वजह से अच्छा हो जाता है और मैं सुखी हो जाता हूँ। लोगों ने कुछ मुझे ऐसा बोला, कोई कमेंट पास किया, क्रिटिसाइज़ किया, कुछ बुरा बोला, परिस्थिति ज़रा खराब हो गई तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तो फिर जब मेरा सुखी होना, दुखी होना, ये जो थॉट्स है, सुख के, दुख के, या जो भी थॉट्स है, जो भी मूड्स है, जो भी फीलिंग्स है, उसका फिर कंट्रोल कहाँ है? कंट्रोल तो बाहर है, परिस्थिति के ऊपर कंट्रोल है। तो फिर सवाल आता है कि ये जो मैं रिएक्ट करते रहता हूँ, ये जो दिमाग मेरा जो है, जो ब्रेन है, वो जो कंटिन्यूसली रिएक्ट करते रहता है, और जब कुछ भी नहीं है तो अंदर ही अंदर स्टिमुलेशन आते रहते हैं और अंदर ही अंदर विचार चालू रहते हैं, बहुत सारे विचार, हजारों विचार चालू रहते हैं, अकेले बैठे तभी भी विचार चालू रहते हैं, उसको कैसा कंट्रोल करें? ऐसा कुछ मैकेनिज्म हम निर्माण कर सकते हैं कि भाई एक स्विच है कि जो स्विच हमने ऑफ कर दिया तो थॉट्स बंद हो जाएंगे, ऑन कर दिया थॉट्स चालू हो जाएंगे। वैसे थॉट्स बहुत कम आते हैं नींद में, तो इसलिए हमको नींद में मज़ा आती है क्योंकि थॉट्स ही नहीं, थॉटलेस स्टेट होती है नींद की, और होते होंगे थॉट्स, हमको याद भी आते नहीं है। तो ऐसा कुछ स्विच हो गया तो कितनी शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। तो थॉट्स कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, थॉट्स को ऑब्जर्व करना। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि यू आर वॉचिंग योर ओन थॉट्स, आपके थॉट्स को वॉच कर रहे हैं, आप अपने आप को वॉच कर रहे हैं। वो जो ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑटोमेटिक चालू है कंटिन्यूसली अंदर, खट 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 खट, एक के पीछे एक के पीछे, तो क्या आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अरे ये तो मेरे को ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं, ये तो मैं तो नहीं ला रहा हूँ, ये तो एक तो अंदर से कुछ ना कुछ थॉट्स आते हैं या बाहर के जो कुछ हो रहा है उसको मैं रिएक्ट करते जा रहा हूँ। तो यदि आप वो थॉट्स को, वो विचारों को ऑब्जर्व करना चालू कर देंगे, देखना चालू कर देंगे, होता क्या है कि जब देखना चालू करते हैं तो आप ही आप वो स्लो डाउन हो जाएंगे, आप ही आप उसका जो स्पीड है वो कम होते जाएगा और आपको थॉटलेस स्टेट आने की शुरुआत हो जाएगी। थॉट्स मतलब क्या है? थॉट्स मतलब ऐसा है कि जो भी हो रहा है उसको रिएक्ट करना, उसके बारे में विचार आना, या फिर अपने आप से उसमें बातचीत करना। कुछ रिएक्शन भी बाहर से नहीं आ रही तो अंदर जो भी स्टोर है वो एक्टिवेट हो जाना, अपने आप से बातचीत करना, वो थॉट्स है। और थॉट्स की वजह से हम दुखी होते, जानवर नहीं दुखी होते क्योंकि जानवरों के पास में थॉट्स नहीं है। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि भाई थॉट्स और लैंग्वेज मुझे काहे के लिए लगती है? थॉट्स और लैंग्वेज मुझे लगती है लोगों से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, नहीं तो मुझे क्या काम है? मैं अकेला बैठा हूँ तो मुझे थॉट्स का काम ही क्या है? तो फिर ऐसा मैं टेक्निक सीखता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ कि थॉट्स आ रहे जा रहे, थॉट्स आ रहे जा रहे, उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ,
धीरे धीरे ऐसे एक स्टेट आ जाएंगे प्रैक्टिस करने से कि थॉट आने की प्रक्रिया एकदम स्लो डाउन हो जाएगी और एक ऐसी स्टेट प्रैक्टिस आ जाएंगी, थॉटलेस स्टेट। अब ये मैं इमेजिनरी बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस से होता कि नहीं होता, आपको एक्सपीरियंशियल स्टेट है ये। मतलब मेरे पास में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मैं आपको बताऊँ ये करो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंशियल स्टेट है थॉटलेस स्टेट आना। और जब आप अपने आप को जब ऑब्जर्व करना चालू करेंगे, आप अपने आप के विचार देखना चालू करेंगे, नेचुरली एक ऐसी स्टेट आ जाएंगी कि उसमें आपको ऐसा हल्का लगेगा, बहुत मज़ा बहुत प्यार आ जाएगा जीवन के ऊपर, अपने आप के ऊपर बहुत प्यार आ जाएगा, क्योंकि आप थॉट से नहीं हो, उसकी मजे लो। सो ये आप प्रैक्टिस करो और कमेंट बॉक्स जो है ना उसमें आप अपने कमेंट डालो ताकि हमको पता लगेगा कि आपको प्रैक्टिस करने से क्या मिला। काफ़ी सारे लोगों को ये वीडियो आप फैला दो, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर फैलाओगे ना, लोगों को ये स्टेट मिल जाएंगे ना, उसका जो मज़ा आ जाएगा ना, लोगों को जीवन में मज़ा आ जाएगा, लोग पावरफुली उनका जीवन जी सकेंगे। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करो हमारे वीडियो को और बेल आइकॉन आता है ना उसको क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, सबको पावरफुल बनाना, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।